आप सभी दर्शकों का बाइबल स्टडी थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल ग्रुप के हम कुछ सदस्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम यहाँ पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं, बाइबल स्टडी थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल के कुछ सदस्य हैं जो यह बताना चाहेंगे कि किस तरह से बाइबल स्टडी का संचालन होता है। आप श्री जॉनसन पॉल जी इस ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर हैं, जो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं जबलपुर में। आप हमारे ग्रुप के ब्लाइंड सदस्य हैं भाई जॉर्ज, जो कलेक्ट्रेट जबलपुर में ही टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। आपकी पत्नी भी ब्लाइंड है, सिस्टर शांति जॉर्ज, जो हाउसवाइफ हैं। और मैं स्वयं डॉक्टर सुषमा जॉनसन, जॉनसन पॉल जी की पत्नी, इस ग्रुप की सदस्य भी हूँ और मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आइए आज हम आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि बाइबल स्टडी थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल किस तरह से संचालित होता है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं जॉनसन पॉल जी आपसे करूँगी कि आपके अंदर बाइबल स्टडी का बोझ कैसे आया? मैं एक मलयाली मसीही परिवार में जन्मा और बचपन से ही बाइबल पढ़ता था, लेकिन मुझे बाइबल पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता। और इस विषय में मैंने पास्टर से, अच्छन से और फादर से भी बात किया और मैंने उनको बोला भी कि आप मुझे तरीका बताएं या मुझे समझा कर दें इसे, लेकिन वे उसको समझाने में असमर्थ थे। लेकिन मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं एक मसीही धर्म का व्यक्ति और मुझे अपनी ही पुस्तक या धार्मिक पुस्तक के विषय में मुझे नहीं मालूम या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको किसी भी प्रकार से इसको समझना जो है प्रत्येक मसीही के लिए आवश्यक है। तो मैंने स्वयं फिर अध्ययन प्रारंभ किया और इसको 13 दिन में रात और दिन कंटिन्यूस लगकर मैंने इसको बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ा। और पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि बाइबल के अंदर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की जो स्टोरी जो है पूरा क्या कहानी है इसके इसमें, तो ये पूरा जो है मुझे समझ में आया। इसके बाद मैंने कुछ कमेंट्री लिया और कुछ शब्दकोश और इस तरह के माध्यमों का भी उपयोग करके मैंने इस बाइबल को समझने का पूरा कोशिश किया। सपोर्टिंग मटेरियल है बाइबल। जी हाँ, ये कुछ सपोर्टिंग मटेरियल भी जो है बाइबल पढ़ने के साथ साथ में इसको इसका भी अध्ययन करना पड़ता है और जो कि बाइबल अध्ययन में बहुत सहायक पुस्तकें हैं। इसके बाद जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तब होशे नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 6वां वचन मुझे जो है बहुत प्रभाव किया, जहाँ पर लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो यह मुझे बहुत असर किया, मुझे बहुत टच किया और मैंने इस बात को लेकर फिर प्रयास प्रारंभ किया। तो ये बाइबल स्टडी थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल ये इस ग्रुप को कैसे आप संचालित कर रहे हैं? जब मैंने बाइबल अध्ययन किया तो मेरे अंदर परमेश्वर ने बहुत तीव्र इच्छा दी कि अब तुमने बातों को जान लिया है और तुम इस बात को अन्य लोगों तक भी पहुंचाओ। तो मैंने जो है अपने चर्च में, अपने कलीसिया में जो है अच्छन से बात किया, फादर से बात किया और उनको मैंने एक थियोलॉजिकल बेस्ड क्यूरिकुलम बनाकर दिया कि बाइबल जो है पुराना नियम और नए नियम को आप जो है इस तरीके से इसको आप लोगों को सिखा सकते हैं। तो अच्छन को जो है वह क्यूरिकुलम पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। तब जो है फिर मैंने कुछ बुक्स लिखी और अपनी जो ज्ञान की बातें थी, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका प्रचार किस तरह से कैसे करूं, लोगों तक आप अपनी बात को पहुंचाएं। जी हाँ, ये किस तरीके से पहुंचाएं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने अपनी बातों को जो है मैंने एक पुस्तक के रूप में लिखा जिसका नाम है बाइबल के प्रमुख विषय। इस पुस्तक में जो है इसको बाइबल को समझने के लिए उनके जो प्रमुख विषय है बाइबल के, जैसे कि वाचा, परमेश्वर, सृष्टि, शैतान, वंशावली, खतना, उपवास, दशमांश, यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान, विश्वास, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा, उद्धार, सुसमाचार प्रचार कैसे करना है, पाप, प्रेम, कलीसिया, परिवार, प्रार्थना, त्रिएकत्व, पुनरुत्थान, अन्यान्य भाषा,
स्वर्ग नरक और स्वर्गदूतों के विषय में यह पुस्तक 2549 बाइबल के आयतों पर आधारित यह पुस्तक मैंने लिखा और विषयों को आपने इसमें कवर किया। जी हाँ, इसके अंदर जो है पूरे विषय ये जो है इसके अंदर है और ये एक अध्ययनकर्ता मसीह के लिए इन बाइबल के सारे विषयों को जो है समझने को आसान बनाने के लिए यह पुस्तक बहुत ही लाभदायक है। और दूसरी पुस्तक मैंने लिखा बाइबल की पुरातात्विक सच्चाइयाँ। इसको लिखने का कारण यह है कि मेरी ये सोच थी कि आज विज्ञान के इस युग में व्यक्ति प्रत्येक घटनाक्रम को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना और व्याख्या करना पसंद करता है। बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है और प्रत्येक धर्म विश्वास तथा आस्था पर आधारित होता है और विज्ञान जो होता है वो प्रमाणों पर आधारित होता है। बाइबल एक धार्मिक पुस्तक होने की वजह से विश्वासी बाइबल में स्थित सभी परिस्थितियों और घटनाओं को आस्था के आधार पर सामान्य तौर पर ग्रहण करना चाहिए, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारा यह जो विश्वास है पवित्र शास्त्र में स्थित आयतों पर ना होकर देखी अथवा जानी हुई प्रमाणों पर आधारित होता जा रहा है। और यही वजह है कि बाइबल में स्थित पुरातात्विक सच्चाइयों को अर्थात जो बाइबल की जो विभिन्न घटनाओं के जो पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस मिलते हैं उनको मैंने इस पुस्तक में रखा ताकि जो अध्ययनकर्ता मसीह हैं वे जो है बाइबल की सच्चाइयों को जो है प्रूफ सहित जान सके। मतलब आप एक साधारण क्रिश्चियन नहीं समझ में आए, क्योंकि आपके अंदर वो खोज परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर को खोज करने की जो तीव्र इच्छा थी उसके कारण ही आप ये। जी हाँ, बाइबल बतलाती है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। तो मैं बाइबल के आयतों पर विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब आप ये बताएं कि ग्रुप के उद्देश्य क्या क्या है। ये ग्रुप जो है बाइबल स्टडी थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल, इसका मुख्य उद्देश्य जो है इसमें बाइबल अध्ययन के माध्यम से पहले व्यक्ति अपना स्वयं की ज्ञान में जो है परफेक्ट हो और ज्ञान के माध्यम से और अपनी आत्मिक उन्नति करे और उसके बाद वह व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पत्नी को और बच्चों को भी जो है बाइबल अध्ययन के विषय में बतलाए और उनका अध्ययन करवाए। इसके बाद जो है यह अध्ययन जो उन्होंने जाना हुआ है इसको अपनी कलीसिया में लेकर जाए और कलीसिया के अपने मित्रों को के साथ बैठकर उनका जो है आत्मिक उन्नति में सहायक हो और इसके बाद सामर्थ्य पाकर पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा वे अन्य लोगों की भी आत्मिक उन्नति में सहायक हो और परमेश्वर की जैसे ही उनको दान या वरदान उनको मिलते हैं उस आधार पर वे अपना प्रचार कार्य करें। बहुत सुंदर उद्देश्य है आप इस ग्रुप के। और इस ग्रुप में मैं जानना चाहूंगी कि कितने सदस्य हैं इस ग्रुप में। शुरुआत में करीब 55 से लेकर 60 सदस्य थे, आज की तारीख में जो है 40 सदस्य हैं। इस ग्रुप में जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में हम लोग सोमवार और गुरुवार को जुड़ा करते हैं। गुरुवार को मुख्य रूप से अध्ययन लिया जाता है तो प्रत्येक गुरुवार जो है उसमें देखा जाता है महीने में जैसे 4 गुरुवार हैं तो 4 गुरुवारों में 50% जो व्यक्ति इस गुरुवार और सोमवार को अटेंड करते हैं उनको जो है ग्रुप में आगे रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति 50% से कम दिन की उपस्थिति रहती है उनको जो है ग्रुप से एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस प्रकार से शुरुआत में 55 से 60 व्यक्ति थे लेकिन आज जो है 40 सदस्य इस ग्रुप में है। तो इसका कोई समय निर्धारित है? जी हाँ, ये प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को यह अध्ययन लिया जाता है और वो भी रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, ताकि आप जो है अपने परिवार के साथ में आप पूरा समय खाली रहता आप इसको अध्ययन ले सकते हैं, अध्ययन में सम्मिलित हो सकते हैं इसमें। और गुरुवार को जो है इसमें बिब्लिकल फैसिलिटेटर जो है ग्रुप के द्वारा। जी हाँ, मैं बिब्लिकल फैसिलिटेटर हूँ ग्रुप में और मेरे द्वारा जो है गुरुवार को अध्ययन जो लिया जाता है। इसके बाद जो ग्रुप के सदस्य जो तैयार हो जाते हैं वे लोग जो हैं वो उनको सोमवार को चांस दिया जाता है कि वे जो है एक प्रैक्टिस के तौर पर उनके द्वारा ही चुने हुए विषय पर और बिब्लिकल फैसिलिटेटर द्वारा गाइड किए हुए
बातों को लेकर वे सोमवार के दिन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वे अपने प्रैक्टिस के तौर पर, उसमें भी सारे सदस्य जुड़ते हैं और वे अध्ययन अपने लिए हुए विषय पर दिया करते हैं। यह बहुत अद्भुत समय रहता है, 9 बजे सभी विभिन्न शहरों से जो जुड़े हुए हैं सब एक साथ उसमें जुड़ते हैं, तो विभिन्न शहरों से भी जुड़े हुए हैं, तो आप बताएंगे कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? जी हाँ, इसके इस ग्रुप की एक बहुत बड़ी विशेषता भी यही है कि इसमें आप घर बैठे जो है वह अध्ययन ले सकते हैं। दूसरे जो है कि आप किसी भी शहर के हों, आप अपने शहर में और अपने घर पर बैठ के रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है आप इस अध्ययन का लाभ ले सकते हैं। इस ग्रुप में जो है दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से, चेन्नई से, नागपुर से, जबलपुर से, इंदौर से, भोपाल से, उज्जैन से, सिवनी से, कटनी से, सिहोरा से, सतना, चंदेरी, दमोह और कोरबा, इतने जो अलग अलग शहरों के लोग जुड़े हुए हैं और इसका वे लाभ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि ऐसे माध्यम के द्वारा, कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा इतने लोग जुड़कर बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। तो जॉनसन जी के द्वारा बहुत अच्छी जानकारियां दर्शकों को मिली, और अब मैं इस ग्रुप के सदस्य भाई जॉर्ज की तरफ आती हूँ। और भाई जॉर्ज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं, और उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि भाई जॉर्ज ब्लाइंड हैं, जैसा शुरू में परिचय कराया था, और आप भी परमेश्वर के खोजी हैं और बहुत प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं। तो ब्रदर, आप हमें ये बताएं कि कॉन्फ्रेंस कॉल ग्रुप से आप कैसे जुड़े हैं? जी थैंक यू सिस्टर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस प्रकार से जुड़ा हूँ। मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जैसे कि आपने पहले परिचय दिया, मैं टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर हूँ और वहीं पर ब्रदर जॉनसन पॉल भी है कलेक्ट्रेट ऑफिस में। तो जब हमारा लगभग एक साल पहले मुझसे परिचय हुआ तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आपको दिखता नहीं और आप क्या करते हैं, आप बाइबल पढ़ते या नहीं पढ़ते, क्योंकि नाम से उनको पता लगे क्रिश्चियन। तो मैंने कहा सर मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मैं मसीह हूँ, और मैंने अन्य जाति में से मसीह पर विश्वास किया लगभग 30 वर्ष पहले, तो मैं ब्रेल बाइबल पढ़ता हूँ। तो इनके मन में जिज्ञासा हुई ब्रेल देखने की, तो मैंने उनको दूसरे बाइबल ब्रेल दिखाया, ब्रेल बाइबल दिखाई, इसके बाद ये बोले कि मतलब क्या मैं इसको सीख सकता हूँ। मैंने कहा कि आपकी रुचि है तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। उन्होंने फिर इंग्लिश में बाइबल ब्रेल में सीखा, इंग्लिश ब्रेल सीखा, उनको लगभग 15-20 दिन के अंदर पूरे 26 अक्षर आगे लिखना और पढ़ना और पहचानना। फिर उनके द्वारा बात हुई कि ब्रदर आप बाइबल, आपके पास पूरी बाइबल है क्या? मैंने कहा जी हाँ, मेरे पास पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक ब्रेल में पूरी बुक्स है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इसको पढ़ते? मैंने कहा मैं कम से कम इसका 3 बार अध्ययन कर चुका हूँ और चौथी बार कर रहा हूँ। फिर इनको और भी अच्छा लगा तो बोले ब्रदर अपन एक बाइबल कॉन्फ्रेंस चालू करने वाले, क्या आप उसमें जुड़ेंगे? मैंने कहा सर इसमें तो बहुत ही खुशी हुई मेरे को, और मैं उसमें जुड़ूंगा, क्योंकि उसमें जुड़ने से मुझे बाइबल तो मैंने कई बार पढ़ लिया लेकिन मैं पढ़ लेता उसका अर्थ इतनी गहराई से नहीं समझ पा सकता, और जब मैं उसमें जुड़ूंगा तो मैं उसको गहराई से समझूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि अपन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वक्त तक पूरा अध्ययन करेंगे। तो मैं उसमें जुड़ा, और इस प्रकार से शुरू में हम लोग मोबाइल द्वारा जुड़ते थे, मेंबर याद हो गए तो फिर हम लोग एक बाइबल कॉन्फ्रेंस में जुड़ करके कंपनी में जुड़ के तो उसमें हम लोग जुड़ते, उसमें हम लोगों को बहुत ही ज्ञान मिलता, बहुत ही बाइबल अध्ययन मिलता, उसमें हम बहुत ही बाइबल समय में बहुत ही परिपक्व है जॉनसन ब्रदर के द्वारा हुए। आपने जैसे उन्होंने बताया था जॉनसन जी ने कि सोमवार को मौका दिया जाता है, जी हाँ, तो आपको भी मौका मिला था? जी हाँ, मुझे मौका मिला था सोमवार को, और मैंने विषय पर बोला था विश्वास विषय पर, जी मत डर विषय पर मैंने बोला था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, उस विश्वास मैंने बोला था। मतलब ये आपका आपका चुनाव था ये विषय? जी हाँ, मेरा विषय, मेरा चुनाव था, क्योंकि मैं इस विषय को बहुत ही पसंद करता हूँ, और एक बाइबल में लगभग 366 बार लिखा हुआ, हर दिन के लिए एक बार एक शब्द लिखा हुआ। तो ब्रदर आपकी तैयारी जॉनसन जी करवाते हैं, तो जॉनसन जी आप बताएंगे कि कैसे आप तैयारी करवाते हैं? जी हाँ, मैं तैयारी बताने के पहले मैं थोड़ा सा और कॉन्फ्रेंस कॉल ग्रुप के बारे में और बताना चाहता हूँ। ऐड करना चाहते हैं? जरूर ऐड करें। इस में 5 सदस्य मुख्य रूप से हैं, इसमें
जो कि पूरा ये ग्रुप संचालित करता है। इंदौर से भाई जॉली थॉमस है जो कि ग्रुप कोऑर्डिनेटर है, जो कि सभी बातों के संचालक हैं। और इसके अतिरिक्त जो है भोपाल से विजू वर्गीस हैं जो कि टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ में सिरिल जॉनसन जो है वो भी टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं। तो जो टेक्निकल बातें इसमें रहती हैं कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से, वे बातें जो है ये दोनों मिलकर संभालते हैं। और मैं जो हूँ वो बिब्लिकल फैसिलिटेटर हूँ और बाइबल संबंधी बातों को इसमें मैं देख रेख करता हूँ। अध्ययन से संबंधित बातें जो है मैं देख रेख करता हूँ इसमें। और इनको जो जो भी सदस्य रहते हैं उनको मैं अलग अलग तरीके से उनको मैं तैयार करवाता हूँ। जैसे जो अभी ब्लाइंड सदस्य है जी हाँ, इनका विशेष रूप से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप देख नहीं सकते। जी जी, तो इनके लिए मैं इनसे ही मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि आप किस विषय में अध्ययन लेना चाहते हैं। जब वे अध्ययन का विषय चुन लेते हैं तो मैं इन्हीं को बोलता हूँ कि आप कुछ आयतों को लीजिए और आप अपने उस विषय का कॉन्सेप्ट मुझे बताइए कि आप इस बात को कितना समझते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट इनसे ले लेता हूँ और इनके द्वारा ही जब आयतों को कुछ मैं ले लेता हूँ, इसके बाद उस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं और भी बाइबल के और भी आयतों के साथ में एक पूरा विस्तृत कॉन्सेप्ट बनाकर इनको जो है पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके देता हूँ। और आप लोग जो है इसको अपने घरों में होम थिएटर में लगाकर उसको सुनते हैं, और कुछ दिन सुनने के बाद में जब तैयार हो जाते हैं तब सोमवार को वे जो है कॉन्फ्रेंस कॉल में आकर वे अपना अध्ययन देते हैं। तो ऐसा ब्रदर, मतलब आप ब्लाइंड हैं, देख नहीं पा रहे, लेकिन वो एक कमजोरी नहीं है जी। वचन के प्रचार जी हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कमजोरी महसूस जी नहीं जी। तो बहुत अच्छा लगा ये प्रयास देखकर। अच्छा, आप बाइबल लाए हैं क्या अपने साथ? जी हाँ सिस्टर, मैं बाइबल लाए हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक में लाए हूँ। अच्छा, पहली पुस्तक है उत्पत्ति की पुस्तक। हाँ, इसका मतलब जो हमारी बाइबल है एक साथ 66 बुक्स हैं इसमें जी हाँ। तो आपके पास ऐसी बाइबल नहीं है? जी नहीं, हमारे पास ऐसी बाइबल नहीं, क्योंकि मोटे पेपर में देखा जाता है। अच्छा, और यदि ऐसा हो तो उठा नहीं सकते, तो इसलिए अलग अलग किताब हर एक भाग में दी गई। तो आपके पास सारी बुक्स हैं? जी हाँ, पूरी उत्पत्ति से लेकर के 66 बुक्स हैं। लेकिन जो है नए पुराने नियम है, जैसे कि 39 बुक्स हैं, तो हमारे ब्रेल में 33 पुस्तकों में दिया गया है जी हाँ। और नए नियम में 27 बुक्स हैं, तो हमारे ब्रेल लिपि में 10 पुस्तकों में उसको लिखा जी जी। तो आप बाइबल पढ़ भी लेते हैं? जी हाँ सीता, मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ। मैं एक वचन बोलती हूँ ब्रदर जी हाँ। ये है उत्पत्ति 17 का 17वां अध्याय और वचन पहला जी हाँ। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 1, इसको थोड़ा सा पढ़कर हमारे दर्शकों को सुनाए जी हाँ। बिल्कुल, बहुत जल्दी निकाल रहे हैं आप। वो हम लोग कहना पेज नंबर देख लेते हैं। अच्छा, उस अध्याय कहाँ पर पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। अच्छा, हम उसको निकाल लेते हैं। तो ये हम उत्पत्ति इसका पहला अध्याय 17वां अध्याय और इसका पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं उसको। ये 17वां अध्याय उसका पहला वचन। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहाँ पहला वचन समाप्त होता है। पहला एक एक शब्द आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इसमें जी हाँ। अब मुझे ये लगता है आप लिख भी सकते हैं क्या ब्रेल जी हाँ सिस्टर, मैं ब्रेल लिपि में लिखता भी हूँ। आप थोड़ा सा लिख के भी बताएं क्या क्या सामग्री लगती है ब्रदर जी? हमारे लिखने के लिए एक स्लेट होती है, एक छोटी एक जैसे एक गाइड है, ये की जी हाँ। तो इसमें खंड खंड रहते हैं। अच्छा अच्छा, एक खंड में इसमें 6 अक्षर बन 6 डॉट्स रहते हैं जी, जी। तो 6 डॉट्स के अंदर एक अक्षर हम कुछ भी बना सकते हैं। तो इसको लकड़ी के बोर्ड में लगाते हैं। अच्छा, और एक हमारी स्लेट प्लास्टिक की आज के लिए निकल चुकी है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से ये खंड ऑरेंज कलर में खंड बने हुए हैं।
फिर इसके बीच में हम लोग एक मोटा पेपर रखते हैं इस प्रकार से, ये तो ड्राइंग शीट हुआ, ड्राइंग शीट हुआ, इसमें व्हाइट कोई भी कलर है वो हम लोग लगाते हैं, उसको बीच में इस प्रकार से रखते हैं, और ये हमारी कलम रहती है तो हम पेंसिल बोलते हैं, तो इसमें लकड़ी का गुटका पीछे तरफ है और पिन जैसा पिन लगा हुआ, इसको हम लोग इस प्रकार से दबा करके लिखते हैं, क्योंकि ब्रेल लिपि में छह जो डॉट्स हैं तो सीधे हाथ पे हम लोग एक दो तीन, उल्टे हाथ पे चार पाँच छह, तो इसमें एक अक्षर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, तो दबा दबा करके लिखते हैं, आप कुछ भी बोलेंगे परमेश्वर की महिमा हो। जी हाँ बिल्कुल, मैं लिखूंगा परमेश्वर परमेश्वर की महिमा हो। जी हाँ, परमेश्वर ने इतनी कैपेबिलिटी दी है आप लोगों को कि आप ब्लाइंड होते हुए भी परमेश्वर के वचन का उपयोग कर पा रहे हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। और अब मैं सिस्टर आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस ग्रुप से ब्रदर के साथ में ही जुड़ी हैं कि कुछ समय के बाद जुड़ी थी, आपने उनको देखा कि आपके हस्बैंड एक बाइबल कॉन्फ्रेंस कॉल ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो फोन से आप सुनती थी जब कॉन्फ्रेंस कॉल चलता था तब? जी, मैं एक बार, मेरी बहुत जिज्ञासा थी कि मैं भी मतलब जुड़ू, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाती रही, मेरे मतलब अंदर कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, झिझक झिझक थी आपको, तो फिर दूसरी बात क्या है कि मोबाइल के उसमें भी मैं परेशान थी, तो मैं बोली कौन सा नंबर दूँ क्या करूँ, क्योंकि एक मोबाइल मेरा खराब है, तो मैंने BSNL वाला हिम्मत करके इनको बोली कि जॉनसन ब्रदर को आप भी मोबाइल नंबर दे मेरा दे दीजिए, मैं भी जोड़ूंगी। अच्छा, इसकी मेरी इच्छा थी, मैंने एक बार सुनी थी फोन में, मैंने बोली देखूँ कैसा है क्या, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने इनको बोली नंबर देने के लिए, तो भाई फिर जॉनसन ब्रदर को उन्होंने नंबर दिया, तो फिर मैं 31 जनवरी से मैं जुड़ी थी इस बाइबल कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, और दूसरी बात मेरे को लाभ भी मिला। हाँ, वही मैं पूछने जा रही थी कि आपको इस ग्रुप में जुड़कर क्या क्या लाभ मिले? मेरे को ये लाभ मिला कि पहले मैं एक ही विषय को लेकर के बोलती थी, मैं सोचती थी कि हो सकता है एक ही नए नियम पर ही बोला जाता होगा, मुझे नहीं मालूम था, जैसे कि ब्रदर ने भी बोला कि टीचिंग और प्रीचिंग में अंतर होता है, जी जी, तो ये अंतर मुझे मतलब पता चला। अच्छा, मुझे अंतर मिला इसमें कि प्रीचिंग और टीचिंग का क्या होता है, जी जी, तो मुझे इस बाइबल अध्ययन से मुझे ये लाभ हुआ, और ये ग्रुप से भी मुझे ये लाभ हुआ, ये दोनों चीजों में मुझे अंतर मिला। और जैसे कि मैंने एक बार ब्रदर से बोली कि उन्होंने कहा था कि आप कौन से विषय पे बोलना चाहेंगी, तो मैंने जॉनसन ब्रदर से बोली कि ब्रदर मैं क्षमा विषय पर बोलना चाहती हूँ। ये भी आपका पसंदीदा विषय? हाँ, जी हाँ, ये मेरा ही विषय था, क्योंकि मैंने इस वाणी पे इस विषय पे कई बार बोली हूँ वहाँ पे अपनी कलीसिया में। अच्छा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मतलब अलग अलग रेफरेंस पर बोला जाता है। अच्छा, अच्छा। तो मैं एक ही रेफरेंस एक ही दो रेफरेंस ढूंढ के मैं उसी में से बोलते जाती रही, लेकिन अभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और साथ में जॉनसन ब्रदर का भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने इस ग्रुप में जुड़ने का मौका दिया, जिससे मैं इस ग्रुप के द्वारा मैंने लाभ प्राप्त करी, और अब मेरी इच्छा हुई कि मुझे एक वाणी पर बोलना चाहिए। अच्छा, तो मैंने पहले चुनी थी पांचवी वाणी, गुड फ्राइडे आ रहा है। जी हाँ जी, तो मैंने पहले मेरी इच्छा हुई पांचवी वाणी बोलने की, उसमें था मैं प्यासा हूँ, तो ये विषय मैंने पॉल ब्रदर को बोली, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको तैयारी करवा के देता हूँ, उन्होंने मुझे दिया भी, लेकिन क्या हुआ वो वाणी किसी और को दे दी गई, तो जी हाँ, तो मास्टर ने किसी और को, हाँ जी हाँ, वो वाणी किसी और को दे दिया, तो अब मैंने सोची अब मैं क्या करूँ, क्योंकि समय बहुत कम है,
फिर भी हिम्मत करके मैंने ब्रदर को आज ही फोन करी कि आपको समय होगा तो मेहरबानी से मुझे लिखवा दीजिएगा थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला नहीं तैयारी हो चुकी, मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसे मुझे अब मैं गुड फ्राइडे पर ये तीसरी वाणी बोलने जा रही हूँ, उस पर प्रकाश डाल। तो मुझे ऐसा लग रहा है जॉनसन जी कि आपने जो ब्रेल सीखा, जैसे ब्रदर जॉर्ज ने बताया कि आप कलेक्ट्रेट में उनके पास जाके ब्रेल सीखे, तो आपका विशेष इंटरेस्ट कुछ था कि क्या कारण था? तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ब्रेल, मैंने देखा भी नहीं था ब्रेल, और मैं इस तरह से ब्लाइंड व्यक्तियों के संपर्क में भी कभी नहीं था। तो मैंने इनकी, जब ये ब्रदर जॉर्ज मेरे संपर्क में पहली बार आए, तो मैंने इनकी दिक्कतों को सबसे पहले समझने की कोशिश किया कि इनकी क्या दिक्कतें हैं, और इसी को लेकर मैंने ब्रेल को थोड़ा सा सीखने का कोशिश किया। और मैंने इंग्लिश के मैं लेटर्स जो है लिख लेता हूँ, और संख्याएं जो है वो पूरा लिख लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने जस्ट समझने का कोशिश में मैंने ये सीखा हुआ। तो उनकी तकलीफें किस तरह से आप इनकी तैयारी करवाते हैं उसमें शायद मदद मिल रही है। बिल्कुल, बहुत मदद है ना ब्रेल सीखने के कारण। जी हाँ। तो सिस्टर आप भी बाइबल पढ़ लेती हैं? जी मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो कौन सी पुस्तक है सिस्टर आपके पास? मेरे पास है रोमियो, नया नियम। अच्छा अच्छा, नया नियम में रोमियो की किताब है जी। तो आप पढ़ेंगी, मैं एक वचन बोलती हूँ। ये रोमियो 8 का 8वां अध्याय पहला वचन। जी हाँ मैं पढ़ूंगी। थोड़ा सा तेज पढ़िएगा तो हमारे दर्शकों को भी सुनाई देगा। जी आइए हम पढ़ेंगे रोमियो 8 उसका पहला पद। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बहुत बहुत सुंदर सिस्टर, बिल्कुल सही, जो हमारे बाइबल में भी वैसा ही लिखा हुआ है। और इस तरह से आप बाइबल स्टडी निरंतर कर रही हैं जी इस ग्रुप के माध्यम से जी। और आज हमारे दर्शकों ने भी ये जाना कि बाइबल स्टडी जो है वो अलग अलग माध्यम से भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम एक संस्था से जुड़कर या कहीं जाकर ही अध्ययन करें। यदि किसी कारण से हम नहीं घर से निकल सकते हैं तो ऐसे भी कई माध्यम हैं जो बाइबल स्टडी हमको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान है जॉनसन जी की अपने इस ग्रुप में प्रिंसिपल भी हैं, हाउसवाइफ के साथ और भी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी हैं, बैंक में काम करने वाले लोग हैं जिनके पास समय की कमी होती है। और उसके बाद भी आप 9 बजे ठीक सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, सभी बहुत उत्साहित रहते हैं और 9 बजे का इंतजार करते रहते हैं वो गुरुवार और सोमवार को। और इसके अलावा मैं एक बात और बतलाना चाहूँगा कि यह जो बाइबल है जो ब्रेल लिपि में है, यह बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा जो ब्लाइंड लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी मदद है। और जी बहुत 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 उत्तम जानकारियां दर्शकों को मिल रही हैं इस चर्चा के माध्यम से, मुझे ऐसा लग रहा है। और जैसा अभी हम सब ने चर्चा की है बाइबल स्टडी थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा, ये एक अभिनव प्रयास है बाइबल अध्ययन का, जिसके माध्यम से हर उम्र के व्यक्ति इससे जुड़े हैं। तो जॉनसन जी आप बताएंगे कि कितने मैक्सिमम और मिनिमम किस एज ग्रुप के सदस्य हैं आपके इसमें? जी इसमें कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर और करीब 82 और 84 वर्ष तक के बुजुर्ग तक इसमें जुड़ते हैं, और पूरा इंटरेस्ट लेकर वे लोग सभी लोग जुड़ते हैं। इसमें स्त्रियां भी हैं, बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं, सभी जो है इसमें, और सभी वर्ग के लोग हैं इसमें, और अलग अलग नौकरी करने वाले लोग और बिजनेस करने वाले लोग भी जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं। बाइबल अध्ययन के जैसा आप लेते हैं गुरुवार को, तो बाइबल अध्ययन के बाद प्रश्नोत्तर सेशन भी रहता है क्या? जी हाँ, इसमें ग्रुप की बहुत खासियत यह है कि जब हम सभाओं में जाते हैं या चर्चेस में रहते हैं, एक व्यक्ति प्रीच करता है और हमारे मन में कई प्रश्न रह जाते हैं, हम उनको पूछ नहीं पाते। इसमें बाइबल अध्ययन के पश्चात जो है 10 से लेकर 15 मिनट तक का समय दिया जाता है, जिसमें हम प्रश्नों को आमंत्रित करते हैं,
तो ये जो 40 लोग जुड़े हुए हैं वे जो है विभिन्न प्रश्न उस अध्ययन से संबंधित और या फिर अध्ययन के बाहर बाइबल से संबंधित भी वो लोग प्रश्न करते हैं, उनको जो है स्पॉट पर उसी समय जो है उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। और यदि किसी सदस्य ने उस समय प्रश्न नहीं किया झिझक के कारण तो उनको किस तरह का मौका दिया जाता है कि वे प्रश्नों को करें? ये जो 40 सदस्य है या इसमें जो और भी आगे भी सदस्य बनेंगे वे सभी जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वे व्हाट्सएप पे अपने प्रश्न डाल सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी उनको जवाब दिया जा सकता है या फिर मुझे पर्सनल फोन करके भी वे प्रश्न पूछते हैं और मैं पर्सनल भी उनको बाइबल से जवाब दिया करता हूँ। जी, बहुत उत्तम जानकारियाँ आपने दी दर्शकों को। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बाइबल अध्ययन के अलावा भी कुछ आपने सोचा है इस ग्रुप में आगे करने के लिए? जी हाँ, अभी वेबसाइट बनाने का विचार है इसमें और वेबसाइट में जो है इन पुस्तकों को डाल दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने पेंटाटेक जो कि बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकें हैं उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, उस पर मैंने कॉमेंट्री लिखा हुआ है और इस कॉमेंट्री को लिखने में मुझे 12 वर्ष लगे हैं और इन 12 वर्षों में मैंने इसमें प्रतिदिन 6 से लेकर 8 घंटे मैंने दिए हुए हैं। इस प्रकार से ये बाइबल कमेंट्री इसमें आया कंप्लीट हो पाया है और इन चीज़ों को जो है वेबसाइट में इनको डाला जाएगा। तो आपने इस चर्चा में देखा है कि बाइबल स्टडी थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल अपने देश में बाइबल अध्ययन का एक अभिनव प्रयास है। यह पूर्णतः मसीहियों के लिए बाइबल आधारित अध्ययन है, बाइबल को समझने के लिए समर्पित है। इसमें अलग अलग उम्र के सदस्य जुड़े हुए हैं, जैसा कि चर्चा में आया था, स्टूडेंट भी हैं, 84 ईयर्स के हमारे सदस्य हैं और टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बैंक एम्प्लॉयज भी हैं, पास्टर्स भी हैं। तो कोई भी इसमें जुड़ सकता है जो बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, अपने टाइम को मंडे और थर्सडे को 9 to 10 निकालकर इसमें अध्ययन में सहभागी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रार्थना में भी, जो ईस्टर के पश्चात चालू होने वाली है, शुरू होने वाली है 9 to 10 सैटरडे को, तो प्रार्थना में जितने अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो विशेष रूप से इससे जुड़ सकते हैं। आप यदि इस माध्यम से, ये जो बाइबल कॉन्फ्रेंस थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल है, कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप 2 नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता रही हूँ, हमारे ग्रुप के कोऑर्डिनेटर भाई जॉली थॉमस, जिनका नंबर है 9826434823, मैं रिपीट कर रही हूँ 9826434823, एवं जॉनसन पॉल जी ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9584657790, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ 9584657790। इनसे आप पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बाइबल स्टडी ग्रुप में सहभागी हो सकते हैं। तो सभी दर्शकों को जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को देखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जय मसीह की।